हेलो क्लास. सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स. दैट मीन्स टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. सो वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड वी विल स्टडी देम वन बाय वन. ओके. सो फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम. फॉर्मल सिस्टम इज़ द वन विच इज़ प्लान्ड. ओके. इनफॉर्मल सिस्टम वी यूज प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स. यानी कि आपके पास पहले से ही बहुत सारे प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप जो यूज़ करते हो आप किसी सिस्टम में. ठीक है. जैसे कि आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में पहले से ही हायरार्की बनी हुई है आपके लेवल की. दैट मींस लाइक चेयरमैन, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, फैकल्टीज, अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ हायरार्की वी हैव. अगर आपको कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, कोई कंप्लेन करनी है, तो आप एक हायरार्की में पैटर्न फॉलो करते हो. आप पहले आपकी क्लास के सीआर को बताते हो, क्लास का सीआर आपके क्लास मेंटोर को बताता है, क्लास मेंटोर आपके एचओडी को बताता है, एचओडी जाकर फिर आपके प्रिंसिपल को बताता है, फिर प्रिंसिपल से रजिस्ट्रार, एंड देन द इंफॉर्मेशन पासिस ऑन टू व्हाट, टू चेयरमैन. तो आपके फॉर्मल सिस्टम में आपके क्या होती है, प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक हायरार्की फॉलो होती है. इनफॉर्मल सिस्टम में क्या होता है, इनफॉर्मल सिस्टम में वी डोंट हैव एनी प्रोसीजर, एनी प्रोटोकॉल वी डोंट हैव. ठीक है. जैसे कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ विद योर क्लासमेट. आप आपके क्लासमेट से, आपके पेरेंट्स से, आपके फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आपको उनसे बात करने के लिए यू डोंट नीड एनी हायरार्की और एनी रूल्स नहीं चाहिए. आपको कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं चाहिए. ठीक है. कोई फॉर्मल बात नहीं है, दैट इज़ इनफॉर्मल. नेक्स्ट वी हैव फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. फिजिकल सिस्टम मीन्स द सिस्टम विच वी कैन टच, द सिस्टम विच फिजिकली प्रेजेंट, विच इज़ फिजिकली प्रेजेंट. जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, फिजिकली प्रेजेंट होता है, दिखता है हमें, हम उसको छू सकते हैं, हमारे सामने है. कॉलेज, आपका होटल, ये सारे आपके क्या है, ये फिजिकल सिस्टम है. एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आपका कौन सा सिस्टम होता है? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी को. जैसे कि आपका ट्रैफिक सिस्टम है, वहाँ पे रेड लाइट ऑटोमेटिकली होती है, ग्रीन लाइट होती है, येलो लाइट होती है. तो वहाँ पे आपका क्या है, आपने एक सिमुलेशन लगाया हुआ है, कुछ फॉर्मूलाज बनाया है, प्रोग्रामिंग बनाई हुई है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, आपके ट्रैफिक सिस्टम को. या फिर आपकी मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा है. तो x और y की कोई वैल्यूज़ रखी हैं आपने, टू और थ्री. तो x और y क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, टू और थ्री वैल्यूज़ को. ठीक है. दैट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. नेक्स्ट वन इज़ ये ओपन एंड क्लोज सिस्टम. ओपन सिस्टम इज़ द वन विच इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट. ठीक है. ओपन सिस्टम आपका क्या करता है, इनपुट लेता है, इट प्रोसेसेस इट एंड गिव्स द आउटपुट. ठीक है. एक इंटरैक्शन होता है आपके ओपन सिस्टम में. ओपन है जो कि जिसके नाम से पता चल रहा है, द सिस्टम विच इज़ ओपन, विच इज़ फ्री टू इंटरैक्ट. एंड क्लोज सिस्टम इज़ द वन विच डू नॉट इंटरैक्ट. ठीक है. जैसे कि आपकी कोई केमिकल रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब में हो रही है, बिना किसी, हम उसमें कोई इंग्रेडिएंट इनपुट नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप ही अंदर, कोई एक सील्ड टेस्ट ट्यूब है, उसमें अपने आप ही अंदर आपकी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है. ठीक है. जो कि क्या कर रहा है, इनपुट नहीं ले रहा है हमसे, आइसोलेट है हमारे एनवायरनमेंट से, इंटरैक्ट नहीं कर रहा है एनवायरनमेंट से. दैट इज़ क्लोज सिस्टम. ऑटोमेटिक एंड मैनुअल सिस्टम. ऑटोमेटिक सिस्टम नाम से ही पता चलता है, द सिस्टम विच इज़ ऑटोमेटिक, जिसमें ह्यूमन का उसको इंटरैक्ट करना या ह्यूमन का इंटरवेंशन, विच डू नॉट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन, ऐसा सिस्टम जिसमें ह्यूमन की दखल अंदाजी नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली जो सिस्टम काम करे. एंड योर मैनुअल सिस्टम इज़ द वन जहाँ पे ह्यूमन को कुछ इनपुट देना पड़ता है और वो प्रोसेस होके फिर आउटपुट के फॉर्म पे आता है. जैसे कि आपके टिकट बुकिंग, उसमें आपको जब आप अगर रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ आप टिकट बुक करवा रहे हैं, तो यू हैव टू टेल कि हमें कहाँ से कहाँ तक की टिकट चाहिए. देन जो काउंटर पे लोग बैठे हैं, वो उस सिस्टम को यूज़ करके आपका टिकट बुक कर रहे हैं. दैट मीन्स अ ह्यूमन इज़ रिक्वायर्ड एट दैट सिस्टम टू ऑपरेट दैट सिस्टम. दैट इज़ मैनुअल सिस्टम. नेक्स्ट इज़ डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम. डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक. डिटर्मिनिस्टिक मीन्स जिस सिस्टम की आपको एक स्टेज पे, सिस्टम की स्टेज पे यू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द सिस्टम.
मतलब सिस्टम की आपको प्री डिफाइंड कंडीशन पता होता है, या फिर अब इस स्टेज पे सिस्टम क्या काम कर रहा है या कहाँ काम कर रहा है ये आपको पता होता है. जैसे एग्जांपल इसमें लिखा है कंप्यूटर प्रोग्राम, तो व्हेन यू डिबग अ कंप्यूटर प्रोग्राम यू नो दैट व्हाट इज द लाइक यू हैव क्रिएटेड अ प्रोग्राम फॉर सम ऑफ टू नंबर्स. तो आप जब उसे डिबग करोगे तो आपको ये पता होता है कि अभी एक्स की वैल्यू क्या है, अभी वाई की वैल्यू क्या है, और प्लस करके क्या रिजल्ट आ रहा है. अगर कोई एरर आ रही है तो आप डिबग करके चेक करो. दैट मीन्स आपको किस स्टेज पे उसकी वैल्यू क्या है यू नो दैट. दैट इज डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम. प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम मतलब प्रोबेबिलिटी पे जो चल रहा है लगभग, कि हमको नहीं पता है उसकी एग्जैक्ट स्टेट क्या है. लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि कल बारिश होगी, ठीक है, तो आपको ये पता है कि अगर मैंने बोला कि कल बारिश होगी तो कल बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना. यानी कि अगर बोला गया कि कल बारिश होगी तो आपको ये पता है कि मुझे छाता लेके जाना है क्योंकि कल बारिश होगी, तो आई हैव टू कैरी माय अम्ब्रेला विद मी. दैट इज़ डिटर्मिनिस्टिक. मगर होगी या नहीं होगी वो तो कन्फर्म नहीं है, दैट इज़ प्रोबेबिलिस्टिक. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका क्या होता है कि हम इसमें कंप्यूटर का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, आउटपुट जनरेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए. ओके, सो इसमें आपका क्या होता है कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो टाइप्स हैं उनको पढ़ने से पहले वी शुड नो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हायरार्की होती है लोगों के काम करने की. ठीक है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डिफरेंट हायरार्कीज. नंबर वन इज़ योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दैट मीन्स इट इज़ योर टॉप मैनेजमेंट. ठीक है, टॉप मैनेजमेंट है, जैसे आपका चेयरमैन है, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, दैट इज़ अ टॉप मैनेजमेंट. Then we have management control. That means then we have middle management. Middle management is your HODs, your faculties. And then we have operational control. Then we have the operational management. That means students. और अगर मैं किसी organization का example लूँ तो in top management we have CEO, board of directors. Then we have project managers. In middle management and in lower management we have normal employees. ठीक है, तो अब आपके अलग अलग मैनेजमेंट हैं, तो अलग अलग मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे. तो भाई अब वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे तो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस तभी करेंगे व्हेन दे हैव सर्टेन इन्फॉर्मेशन, है ना, सर्टेन इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, कुछ डिसीजंस दे हैव टू टेक. ठीक है, अलग अलग डिसीजंस उनको लेने होंगे. तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजंस. वी हैव अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, वी हैव सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, एंड वी हैव स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस. तो इस डायग्राम से हमें क्या समझ आता है, दैट द टॉप मैनेजमेंट टेक अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन. ओके, एंड द मिडिल मैनेजमेंट टेक सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन, एंड द ऑपरेशनल लेवल, द लास्ट लेवल टेक व्हाट, स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस. ओके, सो अब हम इन डिसीजंस को वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये डिसीजन होते क्या है. हम इन डिसीजंस को और इन अलग अलग हायरार्की को इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ओके, सो जो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन होते हैं ये क्या होते हैं आपके, दीज आर न्यू डिसीजंस. ठीक है, यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं होते हैं. और क्या होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं हमारे किसी भी मैनेजमेंट की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपके अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मैंने आपको बताया टॉप मैनेजमेंट लेता है, तो टॉप मैनेजमेंट कब लेता है अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन, व्हेन एनी न्यू प्रोजेक्ट हैज़ टू कम. आपकी कंपनी ने डिसाइड किया कि वो कोई नया प्रोजेक्ट लेगा, या फिर कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस सिस्टम में कुछ इन्हांसमेंट करनी है तो वो करेगा. फिर वो क्या डिसीजंस लेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन, दैट मीन्स वो ये सोचेंगे कि जो नया प्रोजेक्ट हमने लेना है वेदर दैट प्रोजेक्ट विल बी बेनिफिशियल फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, वेदर दैट प्रोजेक्ट विल गिव एनी प्रॉफिट टू आर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, हमें ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हमें फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा. ऐसे तरीके के डिसीजंस हमारे कौन से डिसीजंस होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, एंड दीज डिसीजंस आर टेकन बाय योर टॉप मैनेजमेंट. वी हैव सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन. सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मतलब द डिसीजंस विच आर बिटवीन योर स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस. इसमें आपका क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन आपका लेता है मिडिल मैनेजमेंट. मिडिल मैनेजमेंट सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेता है, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट होती है, जो फाइनल अप्रूवल आता है, वो आपका किससे आता है, टॉप मैनेजमेंट से ही आता है. जैसे कि अगर आपके
टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमें कोई प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ओके वील हम इसमें एनालिसिस करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट लेना है नहीं लेना है। तो वो क्या करेंगे, किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या भेजेंगे रिपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर को बोलेंगे दैट आप एनालाइज करो इस नए प्रोजेक्ट में कि हमें ये प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना है। तो आपके जो मैनेजर है जो कि मिडिल लेवल पे है वो क्या करेगा, उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा कि अगर ये प्रोजेक्ट आता है तो इसमें इतनी मैन पावर लगेगी, हमें ये सॉफ्टवेयर लगेगा, इतना बजट होगा या ये सारी चीज़ें लगेगी, इस टेक्नोलॉजी पे काम होगा तो इस टेक्नोलॉजी के इतने ट्रेंड लोग हमें चाहिए। तो एक काइंड ऑफ रिपोर्ट द मिडिल मैनेजमेंट विल प्रिपेयर एंड द मिडिल मैनेजमेंट विल गिव दैट रिपोर्ट टू अपर मैनेजमेंट एंड एट द एंड द अपर मैनेजमेंट विल ओनली डिसाइड कि हमें ये प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना है। लास्ट कम्स योर स्ट्रक्चर डिसीजन, स्ट्रक्चर डिसीजन आर टेकन बाय योर ऑपरेशनल लेवल द लो लेवल एंड इसमें आपके प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, पहले से सेट ऑफ रूल्स आपके प्रिपेयर होते हैं, उनको देख देख के आप क्या करते हो, क्या लेते हो, आप डिसीजन्स लेते हो। फिर आपकी क्या आ जाता है, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। सो नंबर वन इज़ योर डिसीजन सपोर्ट इन्फॉर्मेशन, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विच इज़ DSS। तो DSS आपको डायग्राम में अगर याद होगा, DSS आपका DSS आपका अनस्ट्रक्चर डिसीजंस लेता है। ओके, सो DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विल टेक अनस्ट्रक्चर डिसीजंस एंड दिस डिसीजंस आर टेकन बाय योर सीनियर मैनेजमेंट, यानी कि व्हाट इफ टाइप डिसीजन कि अगर हम ये प्रोजेक्ट लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो मिडिल मैनेजमेंट लेता है। ये मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है, मिडिल मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को। और ये कैसे डिसीजंस लेते हैं, ये लेते हैं सेमी स्ट्रक्चर डिसीजंस एंड दे प्रिपेयर व्हाट, दे प्रिपेयर रिपोर्ट एंड द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय योर टॉप मैनेजमेंट। लास्ट कम्स योर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम TPS जो कि क्या करता है, लो लेवल होता है और ये आपके स्ट्रक्चर डिसीजंस लेता है। यानी कि अगर आपका कोई एक सपोज आपका एक सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट में आपका जो सुपरवाइज़र होगा वो क्या करेगा, डेली बेसिस पे चेक करेगा आज कितने प्रोडक्ट सेल हुए हमारे, है ना, कितने प्रोडक्ट बचे हुए हैं, कितने सेल नहीं हुए हैं, ठीक है, कितने एक्सपायर हुए हैं, कितने की और डिमांड भेजनी है। तो एक प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रूल्स में चेक लिस्ट आपकी प्रिपेयर होती है कि ओके दिस इज़ चेक 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 एंड यहाँ पे आपने लिखा है कि इट कलेक्ट स्टोर्स एंड मॉडिफाइज डेटा एंड प्रोड्यूसेस ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। यानी कि पहले से कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके बेसिस में आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है और रिजेक्ट करना होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।